हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आप देख सकते रहेंगे पैकेज एसी है। पैकेज एसी का ये सेमी सील्ड कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर का वायरिंग डायग्राम समझेंगे, किस तरह से इसका वायरिंग कनेक्शन रहता है, कौन सा इसमें मैकेनिकल सिस्टम रहता है, सक्शन डिस्चार्ज पाइप है, कौन सा पार्ट्स कैसे रहता है, कुछ पार्ट्स के बारे में आइडेंटी करेंगे। और इसका जो है कंप्रेसर का टर्मिनल्स खोल कर देखेंगे, वायरिंग समझेंगे कौन सा कनेक्शन कहाँ पर जाता है, कैसे रहता है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और भी इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते रहेंगे ये हमारा पहले वायरिंग डायग्राम जैसे समझ देते हैं। यहाँ पर ये जो देख सकते रहेंगे ये हमारा मेन जो है बेसिक वायरिंग जो है रहता है। यहाँ से ये थ्री फेस है, RYB देख सकते रहेंगे। ARYB जो है हमारा निकल के आता है कॉन्टेक्टर से, कॉन्टेक्टर के थ्रू से यहाँ से MCB में आता है, मेन MCB है। इसके और भी कंट्रोल्स रहते हैं, SPSU डायग्राम से रहता है, वो दूसरा पार्ट में जानेंगे। इसमें मोटा मोटा जो मेन वायर जो रहता है किस तरह से रहता है वो समझते हैं। तो मेन वायर जो हमारा MCB कॉन्टेक्टर से होकर के, कॉन्टेक्टर के बाद जो MCB रहता था, MCB से निकल करके वहाँ से आया है ये तीन वायर। जैसे ये पांच वायर आता है यहाँ पे, ये तीन वायर जो हमारा कंप्रेसर के आता है और दो ओवरलोड के आता है, जो हम आगे समझेंगे, आपको क्लियरली समझने को मालूम चलेगा। यहाँ से हम एक बार डायरेक्टली दिखा दे रहे हैं जिससे आपको आगे चल के समझने में आसानी रहेगा। तो अभी हम यहाँ से कंप्रेसर तरफ देखते हैं। कंप्रेसर इसका खोल करके देखेंगे, इसके अंदर कैसा टर्मिनल्स रहता है, कौन सा वायर रहता है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसके पार्ट्स रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खोला गया है। इसके लिए सेमी सील्ड कंप्रेसर है। इसके लिए जो हमारा जो मेन टर्मिनल बॉक्स है यहाँ पर, ये टर्मिनल बॉक्स से हम खोल लेंगे। इसे खोलने के लिए इसके ऊपर कोई सा भी मॉडल थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता रहे, अलग अलग तरीके से हो सकता रहेगा, लेकिन लमसम जो है इसका कनेक्शन वायरिंग सेम ही रहता है। कवर जो रहता है ऊपर से हम यहाँ से खोल लेते हैं। इसके स्क्रू हमने पहले से लूज कर रखा है, आप नया रहेगा तो उसको टाइट रहेगा, थोड़ा खोलना पड़ेगा। हमने यहाँ पे स्क्रू खोल रखा है। खोलने के बाद इसके अंदर देखेंगे कुछ यहाँ पे सेफ्टी दिया है, वार्निंग दिया हुआ है, सेफ्टी दिया हुआ है, किस तरह से हम इसमें काम करेंगे, क्या करना रहता है। आप चाहिए तो उसे वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते रहेंगे। और यहाँ पर टर्मिनल देख सकते रहेंगे, इसमें कितने वायर लगे हुए हैं ये देख सकते रहेंगे। कनेक्टर है, कनेक्टर ऊपर आप देख सकते रहेंगे, इसमें पाँच वायर लगे हुए हैं। पाँच वायर क्या क्या चीज़ करते हैं इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो इसमें जो हमारा तीन वायर है, ये तीन वायर जो रहता है हमारा फेस जो हमारा आता है, और दो वायर जो रहता है ओवरलोड के लिए आता है। तो चीज़ हम इसमें डायग्राम में समझते हैं, कौन सा पाइप कहाँ पे क्या है। एक कंप्रेसर है देख सकते हैं, ये जो हमारा कंप्रेसर है, सॉरी ये देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर का ये लो प्रेशर कनेक्शन है, सक्शन वाल्व है, और ये मोटर कवर वगैरह जो भी है, साइड ग्लास है, पंप कवर है, डिस्चार्ज वाल्व है, पंप सेट, ऑयल फर्ज का जो भी यहाँ पे ऑयल वगैरह निकालने के लिए प्लग वगैरह है, ड्रेन का है यहाँ पर। तो ये टोटल बॉडी है हमारा, इसके समझ लेते हैं। यहाँ पे ये सक्शन, ये देख सकते हो कि सक्शन वाल्व जो था यहाँ पर है, ये सक्शन पाइप का है, और ये डिस्चार्ज पाइप है, यहाँ पे डिस्चार्ज पाइप है। ऑयल का जो देख सकते रहे यहाँ पर ऑयल का है, और यहाँ पर पंप का है, और साइड ग्लास जो देख सकते थे यहाँ पर साइड ग्लास है ऑयल वगैरह देखने के लिए, और एक हीटर का कनेक्शन है इसके अंदर, जैसा कि ये सब वायरिंग में डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है। और इसका जो कंप्रेसर कनेक्टर जो था, कनेक्शन था इसका, ये देख सकते हैं ये तीन वायर है, तीन वाइंडिंग है इसके अंदर। टोटल जो है यहाँ पे तीन वायर, T1 T2 देख सकते हैं, T1 T2 T3 ये वाइंडिंग है इसके अंदर, आप देख सकते हैं ये वाइंडिंग है। यहाँ पर रन जो है, यहाँ पे एक फेस आता है, स्टार्ट जो यहाँ पे आता है, और एक कॉमन यहाँ पे आता है, यानी डायरेक्ट जो है इस तरह से रन स्टार्ट कॉमन लिखा हुआ है, लेकिन थ्री फेस का है, तीनों फेस यहाँ पर पावर डायरेक्ट ही जाता है, देख सकते हैं स्टार्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये तीनों फेस जो है डायरेक्टली यहाँ पर आता है। ये हमारा कंप्रेसर के कॉन्टेक्टर रहता है, कॉन्टेक्टर से आउटपुट होकर के यहाँ पर ब्रेकर से डायरेक्टली यहाँ पर आता है मोटर का। और इसके अंदर जो हमारा पाँच वायर जो था, ये तो हमारा तीन वायर हो गया, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, समझ में आएगा आपको, देख सकते हैं ये हमारा तीन वायर हो गया है, फेस L1 L2 L3 ये तीनों टर्मिनल पे हमारा आ गया है। टू कंट्रोल ओवरलोड सर्किट जो आ रहा है यहाँ पर देख सकते रहेंगे, ये हमारा ओवरलोड लगा हुआ है, ये हमारा जो ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है,
ये ओवरलोड प्रोटेक्टर को जो हमारा सीधा पावर आता है, एक इन होता है यहाँ पे, देख सकते हैं मार्किंग किया हुआ है, एक हमारा इन होगा एक आउट होगा यहाँ पे, ये सीरीज में रहता है। ओवरलोड प्रोटेक्टर है ये सीरीज में है, सभी में देख सकते रहेंगे यहाँ पे लगा हुआ है, एक कॉमन यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्टर सेव करके यहाँ पे जाता है। यानी कंप्रेसर का जो कभी भी, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर का अगर वायरिंग अगर वीक हो गया, वायरिंग अगर खराब हो गया, मैकेनिकल सिस्टम कुछ भी खराब हो, ज़्यादा ओवरलोड ले रहा है कंप्रेसर का, वायरिंग जो हीट हो रहा है या फिर एम्पियर ज़्यादा ले रहा है, स्टक हो रहा है, वो कंडीशन में हमारा कंटिन्यू यहाँ पर तीनों पावर जो आएगा, थ्री फेज जो भी पावर आता है तीनों पावर आएगा इसमें, तो कंडीशन में क्या होगा, कंप्रेसर का वायरिंग जा सकता है या और भी एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, हीट हो सकता रहेगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता रहेगा, उसके सेफ्टी के लिए जो है यहाँ पे ओवरलोड लगाया हुआ है। ये ओवरलोड क्या करेगा, ये ओवरलोड क्या करेगा, कंप्रेसर को ट्रिप करा देगा, चालू होने से बंद करा देगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो कंट्रोल का सर्किट रहता है, कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर का सर्किट रहता है, HPLP कंट्रोल का जो भी टाइमर वगैरह आता है, ये यहाँ से भी होकर के जाता है, यहाँ से होकर जाता है, ये हमारा पावर को ऑफ कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिससे हमारा सेफ हो जाएगा, बच जाएगा। इस तरह से इसका कनेक्शन रहता है। नॉर्मली आप यहाँ पर देख सकते रहेंगे, इसका अभी हम समझ लेते हैं कौन कौन सा है। ये जो तीनों देख सकते रहेंगे वायर, ये येलो, स्काई ब्लू और ब्लैक है, ये हमारा तीनों फेस है, ये T1, T2, T3 मान एग्जाम्पल मान सकते हैं, ये तीनों फेस है। और यहाँ पे जो ये देख सकते हैं, ये दो वायर आ रहा है हमारा, ये जो दो वायर है ये ओवरलोड के लिए है, ये दो वायर हमारा आ रहा है ये ओवरलोड प्रोटेक्टर के लिए है, एक यहाँ से इन होगा और यहाँ से एक आउट होगा, ये हमारा HPLP स्विच से होकर के कंट्रोल होकर के फिर आगे जाता है। देख सकते रहेंगे HP स्विच है और ये LP स्विच लगा हुआ है, यहाँ से सर्किट से कंट्रोल होकर के आगे जाता है। तो दूसरा वीडियो में हम समझेंगे किस तरह से रहता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को कुछ जरूर जाने सीखने को मिलेगा, समझ में आ रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी लोगों के पास शेयर करिए, जिससे और लोग सीख सके। तो आप ये वीडियो में जो है कमेंट में इसका वीडियो का फीडबैक जरूर दें, क्या चीज़ अच्छा लगा है, क्या खराब लगा है, आप वीडियो में राय दें, जिससे आपका कमेंट पढ़ के समझ करके और भी इस तरह से हमें क्या कमी है, क्या अच्छा चीज़ बनाना चाहिए बताना चाहिए, हम अपना वीडियो बनाने में इम्प्रूव कर सके, आपके हेल्प के लिए वीडियो नया नया बना सकें, क्या और भी आगे जानकारी चाहते हैं, इसका HPLP कंट्रोल वायरिंग का जानकारी चाहते हैं, तो सब कुछ भी जो भी है हमें कमेंट में बताइए, उस सबसे हम आपको रिप्लाई देंगे और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।